तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट लेसन में आपको बताया था कि पाइथन को हम लोग अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड कैसे करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों ने जो है कि पाइथन का फर्स्ट वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे में दे दूंगा, वहाँ से आप देख करके पाइथन को जो है कि इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज जो हम लोग बताएंगे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, पाइथन के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन, पाइथन क्या है? पाइथन इज अ पावरफुल हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट में आते हैं हम लोग, क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रोसुम। ये जो पाइथन लैंग्वेज है इनको क्रिएट किया गया है गुइडो वैन रोसुम के द्वारा। और ये जो नाम पाइथन पड़ा ये कहाँ से पड़ा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पाइथन नेम वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉमेडी सीरीज मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो ये जो है कि यहीं से आपका जो है कि पाइथन वर्ड लिया गया है। अब हम लोग का क्वेश्चन आता है कि वाई पाइथन, पाइथन हम लोग क्यों पढ़ें? तो पाइथन इज ए वेरी बिगिनर एंड फ्रेंडली, सिंटेक्स इज एक्सट्रीमली सिंपल टू रीड एंड फॉलो। इसका जो सिंटेक्स होता है बहुत ही आसान होता है। तो मैं इसको जब प्रोग्रामिंग करूँगा तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि कैसे करके आसान है। यूनिक फीचर ऑफ पाइथन, यूनिक फीचर क्या है पाइथन का? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सिंपल लैंग्वेज है, इजियर टू लर्न है। सबसे मेन बात जो हम लोग होता है यहाँ पर, फ्री एंड ओपन सोर्स। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका कोड जो है कि ओपन सोर्स है। आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, और इनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी आप जो है कि एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेकंड, थर्ड में हम लोग आते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लाइक जावा। जैसे हम लोग जावा प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, जो कि एक कोड हम लोग लिखते हैं विंडोज में और रन करते हैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स और मैक ओएस। तो पाइथन को भी जो है कि ये भी हम लोग वही कर सकते हैं, यूज पाइथन कोड एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। तो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन में और इसी कोड को हम लोग कहीं भी रन कर सकते हैं। देन हम लोग फोर्थ पॉइंट में आते हैं, हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो ये जो है कि हाई लेवल और इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। जैसे हम लोग जावा में यूज करते थे तो हम लोग को वहाँ पर कंपाइल करना पड़ता था, फिर हम लोग जो है कि उसको रन करते थे। हम लोग जैसे यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग को कंपाइल का जरूरत नहीं होता है, डायरेक्टली हम लोग इंटरप्रेटर से ही रन करेंगे। इसमें डायरेक्टली कोड लिखेंगे और ये ऑटोमेटिकली जैसे कि इंटरप्रेटर के द्वारा हम लोग का रन हो जाएगा। तो मैं ये आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसमें बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं वो आपको सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में और भी सारे तरह के ऑपरेशन करने में जो है कि आपको मदद करेंगे। और सबसे लास्ट जो आता है पॉइंट हम लोग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी का जमाने में जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, जैसे आपका जावा हो गया, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, क्या डिटेल है, इसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने जाना कि यूनिक फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है। अभी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि वेयर टू यूज पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम लोग का जैसे क्वेश्चन यही आता है कि प्रोग्रामिंग जो हम लोग करते हैं तो इसका हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे हम लोग इसको काम में लाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेयर टू यूज पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज एंड वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। इसमें हम लोग जो है कि बहुत सारे एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट बना सकते हैं हम लोग। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो है कि मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं जो है कि आपको बेसिक बताऊंगा पाइथन का। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग अपडेट जाएंगे फिर मैं बाद में आपको ये बताऊंगा। तो वेब डेवलपमेंट में हम लोग को क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे जो है कि आपको जेंगो एंड बोटल यूज होगा, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट में आते हैं हम लोग, इसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशन हम लोग कर सकते हैं यूजिंग नम पाई एंड सिम पाई। तो
तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कैसे करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं आगे। उसके बाद हम लोग क्या है कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI इंटरफेस का बात कर रहे थे अभी। तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस मतलब जैसे होता है कि GUI हम लोग जो यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो है कि यूज करेंगे पाइगेम एंड पांडा 3D टू क्रिएट गेम। तो अभी हम लोग जो है कि ये सारे के बारे में आपको आने वाले आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इससे चलिए हम लोग फिर से आगे चलते हैं। अब जैसे हम लोग का होता है कंपाइलिंग वर्सेस इंटरप्रेटर, जैसे हम लोग कंपाइल करते हैं फिर इंटरप्रेट करते हैं जावा में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जावा में जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कोड लिखते हैं और उसको सेव करते हैं हेलो डॉट जावा में। देन उसको जब हम लोग कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद आपका ये जो है कि कोड हाई लेवल कोड जो कन्वर्ट होकर के बाइट कोड बन जाता है, फिर ये आपको जो डॉट क्लास फाइल बनाता है। फिर डॉट क्लास फाइल बनाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डॉट क्लास फाइल बना दिया है। अब डॉट क्लास फाइल बनाने के बाद हम लोग जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे देन हम लोग का जो आउटपुट आएगा यहाँ पर, इसके अंदर में हम लोगों ने जो लिख के रखा था मैसेज, वो मैसेज आएगा। हम लोगों ने लिखा था हेलो वर्ल्ड, तो ये हम लोग का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सेम टाइप से अगर हम लोग देखते हैं पाइथन में, तो पाइथन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इंटरप्रेटर इन पाइथन कैसे करके काम करेंगे। हम लोग जो है कि सोर्स कोड लिखेंगे और उसको सेव करेंगे हेलो डॉट पी वाई, पी वाई इसका जो है कि एक्सटेंशन है पाइथन का डॉट पी वाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सेव भी करेंगे और एग्जीक्यूट डॉट ऑटोमेटिकली, जैसे हम लोग इसको रन करेंगे इसी में इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट होगा एंड डायरेक्टली हम लोग को जो है कि यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो आउटपुट में हम लोगों ने जो मैसेज लिख के रखा था वो हम लोग को यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये तो था आपका डिफरेंट बिटवीन जो है कि आपका कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जो है कि प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग प्रोग्राम कैसे करेंगे पाइथन में। तो सबसे पहले आपको जाना है अपना स्टार्ट में, मैं जैसे विंडोज 8 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर जो है कि आपको टाइप करना है पी वाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा पाइथन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पाइथन IDLE और एक देख पा रहे होंगे पाइथन 3.7। तो ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है इसको भी आप रन कर सकते हैं और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में भी रन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है कि इसका IDLE को यूज करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे हम लोगों ने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए पाइथन का IDLE खुल चुका है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि प्रोग्राम करेंगे। तो हम लोगों ने जो इससे पहले वाले वीडियो में बताया था इंस्टॉलेशन के टाइम में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके, तो चलिए उसी प्रोग्राम को जो है कि मैं और एक बार फिर से करके आपको बता देता हूँ कि कैसे करके ये काम करेंगे। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि दो वैल्यू को जो हम लोग प्रिंट करते हैं तो कैसे करके काम करेंगे, देखिए हम बता दे रहे हैं। जब भी हम लोग दो वैल्यू को किसी भी हम लोग ऐड करते हैं तो एज ए मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू पहले हमको मानना पड़ता है जैसे 10 हो गया, फिर बी का वैल्यू मानना पड़ता है कुछ भी एक, सपोज हम 8 मान लेते हैं। देन हम लोग मैथमेटिकली क्या करते हैं कि ए प्लस बी करते हैं, तो ये हम लोग का जो है कि ए प्लस बी करते हैं। और मैथ में क्या होता है कि हम लोग सेव किसी में करते हैं, तो जैसे मैथ में हम लोग ये बनाते हैं तो हम लोग ऐसे करके लिखते हैं कि माना कि हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग जैसे कि लेट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम लोग सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 8। तो ऐसा हम लोग मैथ में करते हैं। तो इसी तरह का हम लोग जब प्रोग्रामिंग में करेंगे तो चलिए हम लोग इसमें कैसे करके हम लोग बनाते हैं तो आपको बताते हैं। आ जाते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पर जो है कि हमको वैल्यू देना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ए इज इक्वल टू हम लोग दे देते हैं 10। अब मैं करता हूँ इंटर, तो यहाँ पर ए का वैल्यू जो है कि 10 असाइन हो चुका है, ए का वैल्यू जो है कि 10 असाइन हो गया है, 10 जो है कि ए का वैल्यू में आ गया है। अभी हम इसको अगर देखना चाहते हैं कि ए के अंदर कितना वैल्यू है तो ए इंटर करेंगे तो देखिए हमको 10 शो हो गया। अभी मैं बी का वैल्यू ले लेता हूँ, इसमें मैं लेता हूँ 20,
तो यहाँ पर बी का वैल्यू भी ले लिया है। अभी मैं बी को प्रिंट करता हूँ तो हमको 20 दिखा दिया। अभी मेरे पास दो वैल्यू आ चुका है। यहाँ पर जो आप इक्वल टू देख पा रहे हैं, ये जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। तो अभी जैसे हम लोग क्या किया, ए का वैल्यू हमने 10 दिया, देन बी का वैल्यू 20 दिया, तो दोनों जो है कि मेरे पास ए एंड बी का वैल्यू है। अब हम लोग को करना क्या है, ए प्लस बी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस अगर बी करेंगे देन इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर मेरा जो वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है कि यहाँ पे 30 दिखा रहा है। तो ऐसा हम लोग अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर एरर देगा। ऐसे करके हम लोग डायरेक्टली प्रिंट में लिखेंगे तो काम कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन पाइथन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग अगर चाहते हैं कि इसको एक वैल्यू जो है कि दोनों का वैल्यू को किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर करें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे C इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी देन इंटर करते हैं। तो अभी जो है कि ए प्लस बी का जो वैल्यू है, यहाँ पर ए प्लस बी का जो वैल्यू है ये C के पास आ चुका है। अभी हम C को अगर प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर 30 दिखाएगा। तो ये जो हम लोग अभी रन कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग कोड लिख रहे हैं और हम लोग यहाँ पर रन कर रहे हैं। अभी मैं जो है कि इसके लिए अगर प्रोग्रामिंग बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है फाइल, तो हम लोग फाइल पे जाएंगे, देन यहाँ पर देखिए न्यू दिख रहा है तो हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। देन न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे अपना प्रोग्राम। ऐसे हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं लेकिन मैं पूरा लाइन आपको लिख के बता दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, जो आपको बताए थे उसी को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 10, देन बी इज इक्वल टू 20। तो हम लोग के पास दो वैल्यू आ चुका है। अभी हम लिखते हैं C इज इक्वल टू ए प्लस बी, आ गया। अब जो है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्रिंट कर देते हैं, वैल्यू को प्रिंट करेंगे हम लोग। यहाँ पर प्रिंट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर C को, तो हम लोगों ने C को प्रिंट कर दिया। C का जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट लिखा। और एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको प्रिंट ऐप नहीं लिखना है जैसा कि हम लोग सी प्रोग्राम में लिखते हैं। यहाँ पर ओनली टाइप करना है प्रिंट, देन यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं फाइल को। सेव करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर फाइल का नेम मांगा जा रहा है, तो फाइल का जो नेम है, फाइल का नेम हम लोग कुछ भी दे देते हैं, जैसे ऐड है तो ऐड डॉट पी वाई। तो पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई होता है, तो हम लोगों ने ऐड डॉट पी वाई देकर इसको सेव पे क्लिक कर दिया। अब जो है कि हम लोग यहाँ देखिए रन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम लोग F5 से भी रन कर सकते हैं और डायरेक्टली हम लोग यहाँ से रन करेंगे। देखिए यहाँ पर पाइथन है और यहाँ पर रन करने के लिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर रन के लिए F5 का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग F5 में क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आ चुका है वैल्यू हम लोग का 30। तो जो ऐप डॉट पाइथन है यहाँ पर हम लोग को वैल्यू दे दिया है 30। ये डायरेक्टली 30 आया क्योंकि जो हम लोगों ने कोड किया था उसमें जो है कि हम लोगों ने कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं किया था, इसीलिए ऐसा आ गया। तो अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग प्रोग्रामिंग में कमांड लाइन कैसे करके लिखेंगे पाइथन में। तो पाइथन में कमांड लाइन होता है हम लोग को हैज से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग हैज लिखेंगे देन कुछ भी लिखते हैं तो ये एज ए कमांड लाइन हो गया, सिंगल कमांड लाइन। तो यहाँ पर लिखते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि दो नंबर को ऐड करेंगे कैसे करके, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो है कि कैसे करके जो है कि वैल्यू को जो है कि स्वाप करेंगे, दोनों को वैल्यू को इंटरचेंज कैसे करके करेंगे। प्रोग्राम टू स्वाप टू नंबर, तो हम लोग जो है कि ये जो लिखे हम लोगों ने हैश, मतलब ये हो गया आपको कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, ये एज ए कमांड लाइन हो गया। तो चलिए हम लोग जो है कि यहां पर अब हम लोग दो वैल्यू को स्वाप कर लेते हैं। तो दो वैल्यू को स्वाप करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर ए का वैल्यू सपोज है हम लोग के पास 10 है, देन बी का जो वैल्यू है वो 20 है,
तो हम लोग के पास ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू आ गया। अगर हम लोग ए को प्रिंट करते हैं 10 आएगा, और बी को अगर प्रिंट करते हैं तो डायरेक्टली इंटर प्रेस कर रहे हैं हम लोग तो 20 आएगा। अभी हम लोग को जो है कि प्रिंट क्या करना है, मतलब दोनों को इंटर चेंज करना है वैल्यू को, ठीक है। तो इंटर चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इंटर चेंज करने के लिए यहाँ पर बहुत ही इजी से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, बस हो गया। अब हम लोग करते हैं इंटर, तो ये हम लोग का जो वैल्यू है इंटरचेंज हो चुका है बड़ा ही आसानी से। अब हम लोग अगर ए प्रेस करेंगे तो आएगा 20 एंड बी प्रेस करेंगे तो आएगा 10। तो चलिए हम लोग इसको जो है कि प्रोग्राम करके देख लेते हैं। हम लोग जाएंगे फाइल पे, देन जाएंगे न्यू पे, और यहाँ पर हम लोग जो है कि प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लिया ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 आ गया है, बी इज इक्वल टू 20। देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट देन ए कॉमा बी, ठीक है। तो ए कॉमा बी प्रिंट कर लेते हैं। ए के बाद हम लोग जो है कि यहाँ पर स्पेस दे देंगे, ए स्पेस बी को प्रिंट करेंगे, मतलब पहले ही। अभी हम लोग एक काम करते हैं, मैसेज दे देते हैं, इसमें दिख नहीं रहा था अच्छे से, तो हम लोग मैसेज यहाँ पर दे देते हैं। तो मैसेज जो हम लोग यहाँ पर दे देंगे, क्या मैसेज दे देते हैं हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, बिफोर स्वाप, बिफोर स्वाप, ठीक है। तो बिफोर स्वाप हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। अब हम लोग जो है कि यहाँ पर लिखेंगे, स्वाप करेंगे वैल्यू को। तो स्वाप करने के लिए हम लोगों ने अभी क्या बताया, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, बी कॉमा ए आ गया। अब हम लोग फिर से जो है कि यहाँ पर इसी को प्रिंट करेंगे, यहाँ पर जो है कि इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग आफ्टर स्वाप में यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब चलिए इसको फाइल में जाएंगे हम लोग, इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करेंगे तो हम लोग को मांग रहा है नेम, प्रोग्रामिंग नेम डॉट, कैसे करके सेव करेंगे, .py, देन यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब हम लोग इसको जैसे हैं रन करके देखते हैं, तो F5 से भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए F5 करके एक बार देख लेते हैं, प्रेस F5, फंक्शन का F5 रन किया, तो यहाँ पर बिफोर स्वाप जो हम लोग का वैल्यू है, ए का वैल्यू 10 था, बी का वैल्यू 20 था, और स्वाप करने के बाद हम लोग के पास कितना आ गया, 20 एंड 10। तो आप देख रहे हैं कि कैसे करके बहुत ही आसानी से हम लोग जो है कि वैल्यू को स्वाप कर पा रहे हैं। अब मैंने तो ये कमांड लाइन हो गया, अब हम लोग है कि असाइन मल्टीपल वैल्यू, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2, तो ऐसा हम लोग को अदर लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहां पर हम लोग लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2, तो हम लोग जो है कि यहां पर लिख दें। अब मैंने जब इसको एंटर किया तो अब क्या हो गया कि ए बी एंड सी तीनों का जो वैल्यू हो गया असाइन हो गया 2 के बारे में। तो हम लोग अगर ए को प्रिंट करेंगे 2 आएगा, बी को प्रिंट करेंगे 2 आएगा, एंड सी को प्रिंट करेंगे तो भी 2 ही आएगा। तो ये हम लोगों ने जाना नॉर्मली, क्या क्या हम लोगों ने अभी तक जाना, दो नंबर को ऐड करना, देन हम लोग स्वाप 2 नंबर किए, हम लोग असाइन मल्टीपल वैल्यू हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ पर किया। अब चलिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग जो है कि जो स्ट्रिंग है उसमें से हम लोग कुछ वर्ड को एक्सेस करेंगे। तो चलिए हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डबल कोट के अंदर में लिखेंगे, कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो डबल कोट के अंदर में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हेलो देन कॉमा देन वर्ल्ड। तो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी डेटा टाइप यहाँ पर यूज नहीं किए हैं, तो हम लोग जो है कि विदाउट डेटा टाइप यूज करके भी यहाँ पर बना रहे हैं। तो मैं आपको आगे इसके बाद बताऊंगा टाइप कास्टिंग के बारे में। तो चलिए इसको जो है कि मैं इंटर कर दूंगा। तो अब अगर हम लोग ए को प्रेस करते हैं तो क्या आ जा रहा है, ए का वैल्यू आपका आ रहा है हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग आ रहा है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो मैं बताऊंगा स्ट्रिप के बारे में, इसमें जो है कि हम लोग बताएंगे स्ट्रिप,
स्ट्रिप फंक्शन के बारे में बताएंगे। उससे पहले जैसे अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड में, जैसे हम लोग को अगर एक वैल्यू इसके अंदर जो कैरेक्टर है उसको एक्सेस करना है, तो कैसे करके हम लोग एक्सेस करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे जो आपका स्ट्रिंग किसके पास है, ए के पास, तो ए देते हैं। देन हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देन हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं टू देन क्लोन, डबल डॉट आपके पास होगा उसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। तो टू क्लोन अगर हम लोग लिखते हैं फोर, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है, आउटपुट क्या आता है ये देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, टू क्लोन फोर, तो इसमें आउटपुट क्या आ गया, एल एल। क्यों एल एल आ गया, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं। जैसे यहां हम लोगों ने टाइप क्या किया था, हेलो कॉमा वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड क्या था, तो ये जो फर्स्ट जो आपको वैल्यू दिख रहा है, ये हम लोग जैसे प्रोग्रामिंग करते थे, तो यहां पर हम लोग को ये फर्स्ट जो लोकेशन है बाय डिफॉल्ट ये होता है जीरो, देन वन, देन टू, देन यहां पर थ्री, देन फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। तो हमने यहां पर क्या लिखा था, ए टू कोलोन फोर, मतलब क्या हुआ, हम लोग यहां पर ए का जो वैल्यू है, हम लोग यहां पर देख रहे हैं ए का जो वैल्यू है ये क्या आ रहा है हम लोग का, जैसे जीरो वन एंड टू, तो यहां पर आपको टू प्रिंट हो गया यहां पर एल, देन यहां पर हो गया थ्री प्रिंट हो गया आपको एल। आप बोलेंगे यहां पर तो हमने फोर दिया था, तो यहां पर ओ क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्टली जब हम लोग टू कॉमा फोर देंगे तो ये बाय डिफॉल्टली लेगा फोर, यहां पर जो लिख रहे हैं इससे माइनस वन, एक पीछे लेगा। अगर हमको ओ को भी प्रिंट करना है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसी जगह में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग इसको दे देते हैं फाइव। अब हम लोग को जो प्रिंट होगा एल एल ओ, तो आपने देख लिया कैसे करके यहां पर प्रिंट हो रहा है। अभी जो है कि थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं और हम लोग जान लेंगे हम लोग लोअर केस एंड अपर केस कैसे कर सकते हैं, लोअर केस अपर केस। जैसे हम लोग पास एक स्ट्रिंग है एज इक्वल टू डबल कोट के अंदर में हेलो वर्ल्ड, अभी हम लोग अगर ए करते हैं तो हम लोग के पास आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अब चलिए हम लोग जो है कि हेलो वर्ल्ड को हम लोग चाहते हैं कि ये जो है कि इसका सारा जो है कि लोअर केस में तो ऑलरेडी है, इसको हम लोग अपर केस करना चाहते हैं, तो ए डॉट हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, अपर, देखिए ऑटोमेटिकली आ रहा है ए डॉट अपर एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शन बटन एंड क्लिक करेंगे, देखिए सारा जो है कि अपर केस हो चुका है। अब हम लोग इसको अगर फिर से लोअर करना चाहते हैं तो ए डॉट लोअर करेंगे, ए डॉट लोअर करके हम लोग इंटर करते हैं, तो देखिए फिर से ये लोअर केस में चला गया। अब हम लोग स्प्लिट करके देखते हैं क्या होता है, स्प्लिट का मतलब होता है दोनों को अलग अलग करना। तो यहाँ पर देखिए हेलो एक वर्ड है और एक सेकंड में आता है, हेलो है और सेकंड में आता है वर्ड, तो हेलो एंड वर्ड दोनों को मैं अलग अलग करता हूँ, तो इसके लिए हम लोग के पास जो फंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट करने का। तो स्प्लिट कैसे करके करेंगे, स्प्लिट करने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, देन ए जिनके पास मेरा जो है कि यहाँ पर एरे है, तो ए डॉट स्प्लिट, ए डॉट स्प्लिट कर दिए, देन डबल कोटेशन, इसके अंदर में हम लोग किसको स्प्लिट करना चाहते हैं, जहाँ पर कोमा मिलेगा उसके बाद वाला लाइन सेकंड लाइन करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डबल कोट के अंदर में लिखते हैं जहाँ पे ये कोमा मिलेगा वहाँ से इसको स्प्लिट आप कर दीजिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर हेलो अलग हो गया, कॉमा यहाँ पर वर्ल्ड, देखिए दोनों ही अलग अलग हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेलो अलग से है प्रिंट और यहाँ पर जो वर्ड है ये दोनों ही स्प्लिट हो चुका है, अलग अलग हो चुका है। और एक फंक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, रिप्लेस फंक्शन के बारे में, चलिए रिप्लेस फंक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कैसे करके रिप्लेस हम लोग करेंगे। सपोज यहाँ पर जो आपको हेलो दिख रहा है इसके जगह में हमको कुछ दूसरा ही लिखना है, तो हम लोग कैसे करके इसको रिप्लेस करेंगे, इसके लिए जो हम लोग को फंक्शन होता है रिप्लेस होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट रिप्लेस, देन हम लोग क्या करेंगे डबल कोट देंगे, और फर्स्ट में हम लोग को
किसको रिप्लेस करना है फ्रॉम सोर्स, और उसके बाद हम लोग देंगे किसको हम लोग जो है कि क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे हम लोग को रिप्लेस करना है एच को, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे कॉमा। क्या दे के रिप्लेस करना है, तो सपोज हम लोग यहाँ पर दे देते हैं जे दे करके। अब मैं अगर इसको इंटर कर देता हूँ तो देखिए जहाँ पे लिखा हुआ था हेलो वो हो गया जेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हो गया जेलो वर्ल्ड। तो आपने यहाँ पर देखा, तो ये था हम लोग का बेसिक जो है कि हम लोग सीखे यहाँ पर। और भी जो है कि आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके बाद का जो वीडियो है वो बताऊंगा। तो अभी तक जो आपने सारा मेरा ये वीडियो देखा लेसन 2 का, तो इंट्रोडक्शन पाइथन, तो इसमें अगर आपका कोई भी तरह का क्वेश्चन होता है, किसी भी तरह का डाउट आता है, तो आप जो है कि हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हर जो है कि कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।